देखो सबसे पहले तो मियां भाई के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल तक जिसको रन मशीन कह के ट्रोल किया जाता था वो इस साल विकेट टेकर बन गया, तो थोड़ी बहुत तो तारीफ बनती है ना बॉस। बात तो सही है। ये तो पता नहीं क्या ही हो रहा है इस बारी के आईपीएल के अंदर, जिसको भी टीम ने सबसे ज्यादा महंगा खरीदा है वो काम ही नहीं कर रहा, चाहे वो बेन स्टोक्स हो, हैरी ब्रुक्स हो या फिर कैमरन ग्रीन। 17.5 करोड़ खर्च किए भाई मुंबई ने इस पर, लेकिन रन देख लो सिर्फ 5। पेमेंट वाले लिया पूरा और काम नहीं किया हमारा। लेकिन सिराज भाई नॉटी, हाँ सोचा कि कैच मेरी वजह से छूट गई तो थोड़ी सी चोट की एक्टिंग ही कर लूं, नहीं तो चीकू भैया कहीं बेन स्टोक्स ना बोल दे। ये सारे सीन अगर फुल वीडियो के अंदर देखना चाहते हो तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम पे भी अपना चैनल बनाया इनक्रिक्यू के नाम से, तो वहाँ जाके उसको भी देख सकते हो। आते हैं वापस वीडियो पे, तो रोहित भैया ने मुंबई के फैंस को बिल्कुल वैसे ही नाराज किया जैसे पापा अपने बच्चों को पैसे ना देकर कर देते हैं। नहीं बताओ यार 10 बॉलों में सिर्फ 1 रन, आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। बाकी सूर्या दादा की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उनको ओडीआई के अंदर खेलने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो आज T20 के अंदर ओडीआई वाली पारी खेल रहे थे। आरसीबी के लिए सब अच्छा चल रहा था कि मियां भाई ने जब अपना 19वां ओवर डाला तो उन्होंने उसमें 5 वाइड बॉल डाल दी मुंबई के तिलक वर्मा के 84 रनों की वजह से। भाई मुंबई 171 रनों तक पहुंच पाई, वरना मुंबई के सब खिलाड़ी हो चुके थे बिल्कुल एकदम खुश। और फिर सामने से उतरी आरसीबी, भाई सब मजाक ही बना दिया मुंबई का। विराट कोहली और फैफ डुप्लेसी ने आरसीबी को 148 रनों तक बड़े आराम से पहुंचा दिया, और बाकी की बची कुछ ही कसर मैक्सवेल ने पूरी कर दी। और आखिरी के अंदर विराट कोहली ने छक्का मारकर मैच को 17वें ओवर में क्या कर दिया, खत्म। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अभी दोस्तों आपको मैच के अंदर सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।